Hey, there are new updates for beta tester in Redmi Note 3. दोस्तों इस अपडेट के लिए सबसे पहले तो आपको जो रोम ऑटो अपडेटर में आ रहा है वो ऑटो अपडेट डाउनलोड करनी है और 3 something MB की है वो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद पावर ऑफ़ कर लीजिए अपने फ़ोन का, और पावर ऑफ़ करने के बाद में वॉल्यूम अप की एंड पावर बटन से उसे आप रिबूट टू रिकवरी कर लीजिए। इसके लिए आपको ZCX रिकवरी चाहिए, ठीक है दोस्तों, और इस रिकवरी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो। और इसके बाद में ये रिकवरी जो है सो अपडेट सपोर्ट करता है ऑटो अपडेट। इसके बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों आप बैकअप बना लीजिए, कोई भी रोम सबसे पहले बैकअप बनाना चाहिए क्योंकि आपके पास जो अभी है फ़िलहाल में वो बचा रहा है अगर कुछ गड़बड़ होता है तो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको नहीं बनाना तो इट्स ओके, मेरे पास है ऑलरेडी, एंड देन इंस्टॉल में चले जाइए और आप डाउनलोड रोम फोल्डर में चले जाइए। अगर आप स्टोरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर स्टोरेज में आपको नहीं दिख रहा है तो स्टोरेज वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन फ्लैश कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और फ्लैश करने के बाद में जस्ट ये फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम लेगा। अगर आप ZXC TWRP रिकवरी यूज कर रहे हो तो ये काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रिकवरी काफ़ी टाइम लेता है, ये जो ओटा है सो आपके फोल्डर में ये कुछ बैकअप ऐप्स बैकअप फाइल्स बना के रखता है, वहाँ से दोबारा से होता है एंड उसके बाद में ये अपडेट लेता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में मैं शो कर रहा हूँ, और ये वीडियो को मैंने काफ़ी स्पीड कर रखा है, फिर भी ये अभी भी काफ़ी टाइम लिया है, तो आप इसमें पेशेंस रखें, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, आराम से इसे छोड़ दे, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये रहा, बस आई थिंक डन, ठीक है। होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप नीचे एक यहाँ से भी रिबूट कर सकते हैं, या फिर आप होम पे चले जाइए और दोस्तों स्नैपशॉट ले सकते हो वॉल्यूम की एंड पावर की दबा के, एंड देन इसके बाद होम पे चले जाइए एंड रिबूट में जाके सिस्टम रिबूट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अब सिस्टम रिबूट कर लिया हूँ, एंड देन बस मैं अभी रिबूट कर लेता हूँ फ़ोन को अपना। दोस्तों मैंने जस्ट फ़ोन को अपना अब रिबूट कर लिया है, और ये भी वीडियो थोड़ी सी स्पीड कर दी गई है सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब मेरा फ़ोन जो है सो अपडेट हो गया है। और दोस्तों मैं बता दूँ इस अपडेट में थोड़ी सी दिक्कत है, जो नोटिफिकेशन इन्होंने बग्स फिक्स करा है बल्कि एक और अलग से बग्स आ गई है। जो नोटिफिकेशन पहले बहुत ही अच्छे तरीके से दिखती थी, अब वो जो है सो ब्लैक वाला जो भी पार्ट है वो तो दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप दे रहा है व्हाट्स न्यू में, एंड देखिए नोटिफिकेशन में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बस जो समथिंग डॉट्स है वो शो हो रहा है, ठीक है।